चार बार सांसद बने, कभी सोचे थे मन में कि चार बार कौशलेंद्र कुमार सांसद बनेगा? राजनीति में विधायक नहीं होते, एमपी नहीं होते, हम लोग दूर दूर कहीं बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं अपना। कौशलेंद्र कुमार जी राजनीति किससे सीखे हैं, अपना राजनीति गुरु किसको मानते हैं सर? कौशलेंद्र कुमार जी गांव का एक नॉर्मल कौशलेंद्र कुमार डायरेक्ट सांसद बन गए 2009 में, उसके बाद 14 में भी, 19 में भी, 24 में भी, ये कैसे संभव हो पाए जनता? राजनीति बहुत दिन से, लेकिन समय थोड़ा चक्र चला, मौका हमें भी मिल गया। अब ये जो 5 साल स्टार्ट हुआ है, नालंदा वासियों को क्या मिलने वाला है? अभी बहुत चीज़ बाकी है। हम भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई किए तो हमको दिल्ली जाकर करना पड़ा, क्यों ना नालंदा में इस टाइप का कॉलेज और यूनिवर्सिटी होना चाहिए? लोग विश्वास करके वोट देते हैं कि आदमी 15 साल में जब नहीं कुछ बिगाड़ा, अब बिगाड़ेगा ही नहीं, कुछ बनाएगा। जनता जानना चाहती है कि लगातार 4 बार आप सांसद बने हैं, कहाँ से आपका राजनीतिक पारी का शुरुआत हुआ था, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे? नीतीश कुमार जब से हम एनडीए में हैं तो हम लोग विकास के नाम पर ही वोट मारते हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार 4 बार सांसद बनना कितना कठिन होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा के बिहार शरीफ में और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार 4थी बार एमपी का चुनाव जीते हैं और पुनः दिल्ली जाकर के नालंदा का आवाज़ उठाएंगे। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार 4 बार सांसद बनना कितना कठिन होता है और बार बार नीतीश कुमार इनके ऊपर इतना विश्वास क्यों जताते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि नालंदा की जनता लगातार इनको 4थी बार सांसद बनाई है, तो इस बार क्या इनका मैनिफेस्टो है, क्या इनका काम करने का तरीका होगा, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बार सांसद बनना बहुत छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो हम कौशलेंद्र जी से ही जानेंगे कि आखिरकार ये संभव कैसे हो पाया। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर। चलिए, नालंदा दस्तक में आपका भी स्वागत। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो जीत हुई है ये किसकी जीत है, आपकी जीत है, जनता की जीत है, कि नीतीश कुमार की जीत है, कि एनडीए की जीत है? देखिए, एनडीए की जीत है। आज देश के प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जो बिहार में विकास हुआ है उसकी जीत है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, वोट मांगते हैं, तो जो काम हुआ है बिहार में और देश में जो माननीय मोदी जी ने काम किया उसी की बात हम लोग रख रहे हैं। चाहे इंदिरा आवास हो, गरीबों के घर में 5 किलो अनाज का सवाल हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो जो साल में 6,000 रुपया हर किसान परिवार को मिलता है, तो जो काम किया है उसी का बात हम लोग रखते हैं। कई तरह की योजनाएं हैं, उजाला योजना, आयुष्मान भारत, कई तरह की। मतलब यही सब मुद्दा को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे थे और आप चुनाव जीते हैं। देखिए, हम लोग जब भी नीतीश कुमार जब से हम एनडीए में हैं तो हम लोग विकास के नाम पर ही वोट मारते हैं, इसलिए कि यहाँ तो 20 साल पहले का जो बिहार था वो क्या था उस यहाँ के लोग जानते हैं। वो जंगल राज, अपहरण का उद्योग चल रहा था, लोग शाम से बाहर निकलते नहीं थे, बेटी बहुत सुरक्षित नहीं था, हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनके हॉस्टल में राइफल टंगा रहता था। आज वो सब स्थिति समाप्त हो गया है और एक अच्छा बिहार बना है। अब मुझे भरोसा है, विश्वास है कि गठबंधन की जो सरकार है एनडीए का, इसी में हम लोग आगे जाएंगे और आगे जाने पर जब देश आगे बढ़ेगा तब बिहार भी आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, जनता जानना चाहती है कि लगातार 4 बार आप सांसद बने हैं, कहाँ से आपका राजनीतिक पारी का शुरुआत हुआ था, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, राजनीति पारी का शुरुआत तो हम लोग पहले कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, संघर्ष करते थे, बहुत सा आंदोलन, बिजली का आंदोलन, जब लालू जी का यहाँ राज था तो हम लोग बिजली का आंदोलन चलाते थे, बिजली दो, तो कभी दिया कभी गायब हो गया, तार है तो खंभा नहीं है, खंभा है तो तार मचा गया, आज लगातार कट गया बिहान, आज ट्रांसफॉर्मर लगा कल चोरी हो गया, वो दिन हम लोग देखा है। और संघर्ष के रास्ते नीतीश कुमार एनडीए ने संघर्ष किया, आज हमारे बीच में डिप्टी सीएम नहीं है सुशील मोदी जी, ये दोनों का संघर्ष जो हुआ 15 साल, तभी लालू जी के खिलाफ सरकार बनी। मेरा सवाल था सर कि आपका राजनीतिक पारी का शुरुआत कैसे हुआ था, मतलब कि स्टार्टिंग से ही आप पॉलिटिक्स में थे? नहीं, बहुत पहले से, वही जानना चाहते हैं। वो
नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग काम करते रहे, ये सोच कर नहीं कि मैं कोई विधायक बनूंगा, एमपी बनूंगा, एक ऐसे ही काम करते थे। जब लोक दल था उस समय भी मैं साथ था, जो उस समय रामविलास जी, नीतीश जी, लालू जी सब साथ थे, उस समय जनता दल था, उस समय भी हम लोग साथ थे। तो राजनीति बहुत दिन से, लेकिन समय थोड़ा चक्र चला, मौका हमें भी मिल गया। अचानक से कौशलेंद्र कुमार जी गांव का एक नॉर्मल कौशलेंद्र कुमार डायरेक्ट सांसद बन गए 2009 में, उसके बाद 14 में भी, 19 में भी, 24 में भी, ये कैसे संभव हो पाए? जनता आप पे इतना विश्वास क्यों करती है? देखिए, दो चीज़ बताते हैं। कोई भी जनता का जो काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई जनता का काम एक साधारण कर्मचारी से है, वीडियो से है, थानेदार से है, कलेक्टर हैं, डीडी से हैं, अगर उसके काम में आप सहयोग करते हैं तो उसके लिए लगता है कि हमारे लिए आदमी मददगार है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि छोटा छोटा काम के लिए एमपी क्यों आते हो, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं काम कोई भी हो, जिसके लिए जो काम है उसके लिए वही बड़ा होता है, इस हिसाब से हम काम करते हैं। अगर कोई बीमारी है, पटना पीएमसीएच में उसको भर्ती कराना है, अगर हमारे प्रयास से भर्ती हो जाता है तो वो 10 आदमी से बोलता है कि हमने गया तो एमपी साहब ने मदद किया, वहाँ गए बोले नाम इनका, तुरंत कर लिया। तो जो काम करता है ना, उसका रिजल्ट उसी जगह मिलता है। हम अगर कलेक्टर ही भेजे, कलेक्टर ने बोला एमपी साहब भेजें जी, तो लोग समझता है कि हमारे लिए एमपी साहब ने फ़ोन किया है। ये इससे लोगों का विश्वास जो है एमपी के पास, जो लोगों का विश्वास वो बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ता है तो स्वाभाविक चीज़ है कि 5 साल जो लोग बोले, लेकिन चुनाव में जब आ जाते हैं तो हर लोग विश्वास करके वोट देते हैं कि आदमी 15 साल में जब नहीं कुछ बिगाड़ा, अब बिगाड़ेगा ही नहीं, कुछ बनाएगा। तो अब क्या है सर मोटिव? अब तो आप बोलते हैं कि विकास का गंगा बहा नालंदा में, अब ये जो 5 साल स्टार्ट हुआ है, नालंदा वासियों को क्या मिलने वाला है? अभी बहुत चीज़ बाकी है। अभी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है एयरपोर्ट का, हम लोग का बड़ा डिमांड था एयरपोर्ट राजगीर में। राजगीर पर्यटक स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जहाँ देश और दुनिया से लोग क्लास करने आते हैं, पढ़ाई कराने, प्रोफेसर क्लास लेने आते हैं विदेश से, तो उससे वैसे जगहों में एयरपोर्ट होना चाहिए। अब हम लोग का एक बड़ा डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय का, जो लाइब्रेरी जो हमारा इतिहास था, यहाँ का लाइब्रेरी बहुत बड़ा था, देश और दुनिया से लोग आते थे, एक एक महीना पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में बैठ कर। वो हम लोग का ख्वाहिश है, लगातार हम लोग पार्लियामेंट में उठाते रहते हैं, और हमें विश्वास है, भरोसा है कि मोदी जी की सरकार अब बनेगी तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी यहाँ हम लोग बनाएंगे। मतलब कि लाइब्रेरी बनाने के लिए नालंदा सांसद एकदम तत्पर है? हाँ, तत्पर हैं कि हमारे जो भविष्य है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो जाने कि हमारा इतिहास क्या था और अभी क्या है। आज जो गौरवशाली हमारा इतिहास अगर नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थोड़े दोबारा बनता, नहीं बनता। राजगीर पर्यटक स्थल इतना सुंदर थोड़े बनता। आज जू सफारी बन गया, ग्लास ब्रिज बन गया, गंगा का पानी जा रहा है कहाँ भाई, तो राजगीर, कहाँ भाई, तो गया, नवादा। तो जो हमारा इतिहास है उसके लिए काम होता है, और इतिहास ही सब चीज़ बनाता है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलते हैं, नालंदा दस्तक से भी बहुत बार बोले हैं, आपके जो घटक दल के नेता हैं वो भी बोलते हैं कि नालंदा में बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो आपके विरोधी हैं लगातार आप पे हमलावर रहते हैं कि कौशलेंद्र कुमार जी खाली हरनौते देने, राजगीरे देने विकास करते हैं, पूरा नालंदा में विकास नहीं करते, उनको क्या कहिए? अगर ये बोलते हैं तो उनका गलत है। आप जोड़ लीजिए कि जब से मैं एमपी बना हूँ 2009 से, उस समय सड़क की क्या स्थिति थी, चाहे NH हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, कितना मैंने बनवाया, वो तो सब पढ़ाई देने का चीज़ है, लिख करके आप मांग लीजिए किनके टाइम में कितना सड़क बना, कितना बिजली लगा, घर घर बिजली लगा, कितना NH बना, 4 लेन बन रहा है, कितना NH बना। अभी आपको शुरू हम जीते थे तो सर मेरा जो बिहार शरीफ जो बना 22 NH, वो हम लोग का बनवाया। तो काम हुआ है काम, लेकिन NDA की सरकार रहेगी तभी होता है।
इसलिए मोदी जी बनेंगे और देखिएगा विकास बढ़ेगा। अभी युवाओं के लिए बहुत काम करना है। मोदी जी ने जो स्टार्टअप लाया उसका पूर्ण रूप से अभी लोग पहचान नहीं पाए, धीरे धीरे लोग उसको पहचान रहे हैं, आज उससे बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं युवा और आगे बढ़ भी रहे हैं। देखिए युवाओं की बात कर दी आप, नालंदा में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए। हम भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की तो हमको दिल्ली जाकर करना पड़ा, क्यों ना नालंदा में इस टाइप का कॉलेज और यूनिवर्सिटी होना चाहिए? नहीं, नालंदा में तो है अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है, हम समझते हैं कि नालंदा का मात्र एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जिसके पास विद्वता है कंपटीशन देगा होगा। अब उसमें हम लोगों ने अभी रखा है कंप्यूटर की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हो, अब धीरे धीरे शुरुआत होगा। प्रधानमंत्री से हम लोग मिले भी थे आज से 6-7 महीना पहले कि इसको सर बढ़ाया जाए। हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो इन चीज़ों के अलावा भी जो इतिहास है जैसे पाली की पढ़ाई अब यहाँ के बच्चे करना ही नहीं चाहते हैं, तो धीरे धीरे लोग जा रहे हैं उसमें और विकास भी सीख रहे हैं। अच्छा, लोग एक बार सर मुखिया बन जाते हैं या फिर एक बार विधायक बन जाते हैं तो उनको लगता है कि यार हम मुखिया बन गए विधायक बन गए, और आप 4-4 बार सांसद बने हैं, कभी सोचे थे मन में कि 4 बार कौशलेंद्र कुमार सांसद बनेगा? देखिए जो आदमी पैदा लेता है तो थोड़े जानता है कि हम पैदा लिए हैं तो ये बने हैं, लेकिन वो आधार बनता है धीरे धीरे। जैसे हमने राजनीति शुरू कर दिया तो राजनीति करने वाला आदमी नहीं एमपी बनता है, अब अनुकरण नहीं करेगा, कर्पूरी जी के बात नहीं सुनेगा, अटल जी के बात समझेगा नहीं, सुषमा स्वराज जी का जो भाषण सुनेगा वो समझेगा नहीं, खाली सुन के निकाल देगा। उसमें से ग्रहण करना चाहिए कि जो जो अच्छाई है उसको ग्रहण करो अपने जीवन में उतारो तब ना आगे बढ़िएगा। कर्पूरी जी का क्या सोच था कि सब परिवार को बना दो? हमको याद है कि कर्पूरी जी उनके बेटा रामनाथ ठाकुर को चुनाव लड़ने के लिए किसी ने कह दिया कि लड़ाइए सर रामनाथ ठाकुर को, तो उन्होंने कहा कुर्ता खोल दिया, कहा कि भाई मैं चला आप लोग इसको लड़ाइए। तो ये विचार होना चाहिए, तो सबसे पहले जो समाजवाद है जो अच्छा विचार है उसको उतारना चाहिए जीवन में और जो खराब चीज़ है उसको हटाना चाहिए। कौशलेंद्र कुमार जी राजनीति किससे सीखे हैं? अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं सर? हम लोग नीतीश कुमार को मानते हैं, हम लोग नीतीश कुमार के ही साथ राजनीति शुरू किया। अगर नीतीश कुमार राजनीति में विधायक नहीं होते एमपी नहीं होते तो हम लोग दूर दूर कहीं बिजनेस करते कुछ करते अपना, लेकिन उनके ही रहने से मैंने जगा कि हम लोग भी कुछ हो सकते हैं। जब नीतीश कुमार जी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, ये विश्वास जगा। नीतीश कुमार जी को राजनीतिक गुरु मानते हैं? एकदम पूरा। सबसे बढ़िया नेता कौन लगते हैं कौशलेंद्र कुमार जी को पूरे देश की अगर बात करें देश पटल पे? तो देखिए देश पटल पर अब जो हमारे जैसे साधारण परिवार को पूरा चीज जानता हो तो वैसा नेता कहाँ मिलता है। अब बोलिए नीतीश कुमार जी हमारे घर कब से आते हैं? 76 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, 96 में उस समय हमारे घर आए थे, उस समय से संबंध है और उसके पहले से भी है लेकिन घर आए थे। तो स्वाभाविक चीज़ ना है कि जब हमारा हर चीज़ वो जानने लगे तो भरोसा उन पर हमको भी बढ़ता गया, तो उनको भी लगा होगा कि अब अच्छा लड़का है इसको देना चाहिए टिकट, तो उन्होंने बुला कर दिया। अच्छा, हाँ आप बताए थे पिछले बार भी कि कौशलेंद्र कुमार जी को नीतीश कुमार बुला करके टिकट देते हैं। हाँ, पहले तो विधानसभा का मांगते रहते थे तो कभी नहीं मिला, लेकिन 2009 में बुला करके दिए और आज तक बिना बुलाए हुए दे रहे हैं, बिना मांगे हुए। नीतीश कुमार जी को लगता था कि कौशलेंद्र विधायक लिए नहीं एमपी के लिए? हाँ, जो भी सोचे उनको लगा होगा कि इसको जिताना चाहिए, इसको बीच में जनता के बीच में काम करने का अवसर देना चाहिए, यह आदमी के पास क्षमता है सहने का लोगों से बात करने का, अगर वो समझे तब हमको दिए। और उसी का नतीजा है कि आप 4थी बार सांसद बने? हाँ, 4थी बार नीतीश कुमार की कृपा है, एनडीए पूरे नेताओं की कृपा है, जनता की भी कृपा है, जनता के बिना तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा सर, आपके पारिवारिक ढांचा क्या, आपके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं सब? हम 2 भाई हैं, तो मेरे बड़े भाई डेथ कर गए, अभी
एक साल भी नहीं, एक डेढ़ साल पहले मुख्यमंत्री जी उसमें भी आए थे, आए थे और उनका एक बच्चा एक बच्ची दोनों जॉब में है, पर हमारा दो बच्चा एक बच्ची वो दो मैंने जॉब में है, सब ठीक है, एडजस्ट है अपना। अच्छा नालंदा की जनता एक बात और जानना चाहती है कि सबसे बड़ा काम क्या होगा ये 10 ईयर में 2024-29 वाला में? सबसे बड़ा काम जो हम लोग का कि युवाओं के लिए कुछ करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो हम पुस्तकालय है उसको लाएंगे और यहाँ पर जितना भी विकास कुछ लगता है लोगों को विश्वास जो हमारे ऊपर रखते हैं लोग उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए समय बदल रहा है, पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते थे, फिर कंप्यूटर का युग आ गया, सारा चीज़ अब ऑनलाइन, तो कई जो आज देख रहे हैं बदलाव, तो मोदी जी में इसलिए बदलाव हुआ है कि मोदी जी का सोच है कि जो छोटी छोटी कमियां हैं संवैधानिक में तो उसको हम सुधार करें और उसको उतारने का काम करें। जैसे बहुत सा ऐसा चीज़ है कि दलितों को बीच में, गरीबों के बीच में लोग भूखे मरते थे, लेकिन अभी नहीं ना सुन रहे हैं कि कोई स्टेट में आदमी भूखा मर रहा है, कर्जा से मर गया, ये अब नहीं सुनिएगा। अब हर आदमी खाने पीने का सुखी हो गया, घर में अनाज है, घर में उसका गैस का सिलेंडर आ गया, घर में बिजली आ गया, आराम से भी रह रहा है, अच्छा पहनावा ओढ़ावा उसका, सर सफाई घर का हो रहा है, शौचालय का उपयोग हो रहा है, इन चीज़ों से गरीबों को जो ये है बीच में वो गरीबी दूर हुआ है, तो गरीबी धीरे धीरे जब दूर हुआ है तो 2000 जो मोदी जी का सपना है कि 47 तक हम देश को एक नंबर पर लाएंगे, यही इसी के सोच के आधार पर थे, और मैं समझता हूँ उनका सोच सही है। अगर हर घर का बच्चा पढ़ाई करना अब शुरू कर दिया तो डॉक्टर इंजीनियर जो गरीब घर के लोग हैं उनके कहाँ वो रहा है, तो अब पहले ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा नहीं होता था, जो जहाँ था स्कूल जा नहीं रहा था, बच्चे लोग स्कूल से सब बाहर था, आज हर बच्चा स्कूल जा रहा है। अब तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि कोई गांव ऐसा है जहाँ की 10-20 बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ये आप लोग पता लगाइए, तो हम उस पर अमल करेंगे। और हम लोग भी पता लगाते हैं, हम लोग जहाँ भी जाते हैं पूछते हैं कि स्कूल जाता है बच्चा, बच्ची कहीं तो नहीं जा रहा है, जा रहा है, बड़ा जोर है, तो उसके लिए जो पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, जो भी उसको लाभ मिलता है, स्कॉलरशिप है, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों में आकर्षण बढ़े। मतलब कि नीतीश कुमार जी हर एक बच्चा को स्कूल तक पहुँचाए, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, उनका सोच शुरू से है कि दो चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया, महिलाओं पर, कि जैसे पूरे अगर 1 लाख आबादी है तो 50,000 तो महिला है, पूरे 50,000 महिला को आप बांध कर रखे हुए थे, आज उसको आरक्षण दे करके पूरे पंचायती राज व्यवस्था में, नगर पंचायत में दे करके उसको हाथ को मजबूत किए, आज धीरे धीरे हमारी बहनें माता ब्लॉक जा रही है, नगर पंचायत में आ रही है, नगर पालिका में आ रही है, भीड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जाने लगी तो समझ रही है कि हमारा जो हाथ काम करने अब लगा है, तो जिस घर में दो हाथ काम कर रहा है अब उस घर में 4 हाथ काम कर रहा है, तो स्वाभाविक चीज़ है कि जिस घर में 2 हाथ काम कर रहा था अब 4 हाथ काम कर रहा है तो विकास तो होगा ही। घर में आरक्षण की बात कर रहे थे तो इस्लामपुर पश्चिमी से जिला पार्षद के क्या बोलते हैं कि उम्मीदवार ने जीते हुए हैं, अर्चना सिन्हा नाम है शायद, वो बता रहे थे कि नीतीश कुमार का देन है कि आज हम SP और DM के सामने बैठ करके बात करते हैं, पहले घर के पति से बात करने का औकात नहीं। हाँ सही बोल रहे हैं कि जिला परिषद जो जीत जाता है वो DDC उसके अध्यक्ष के सामने उसके सचिव होते हैं, IAS ऑफिसर, अब सोच लीजिए कि उसका कितना मनोबल बढ़ा होगा। अब हर घर बड़े बड़े घराने में शादी में जा रही है, बड़ा बड़ा लोगों से बैठके में जा रही हैं, जिला के बैठक में जा रही है, कभी कभी उन लोग का अवसर मिलता है दूसरे स्टेटों में भी जाने का कि कैसा विकास वहाँ हो रहा है, दूसरे जिला में दूसरे स्टेट में कैसा विकास हो रहा है, इन चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। चलिए नालंदा की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर, आखिरी सवाल? नालंदा की जनता को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जैसे कार्यकर्ता साथी को उन्होंने वोट देते हैं, कुछ हमें सुनते भी हैं तो हमको अच्छा लगता है। कभी नहीं हम जनता को कहे हों कि आपका डिमांड गलत है, जनता का डिमांड जायज़ होता है, हर चीज़ मांगते हैं,
एमपी से, नली गली पुल पुलिया सड़क बिजली हर चीज़ मांगते हैं, लेकिन जनता किससे मांगे? अगर मुखिया गली नली नहीं बनाएगा तो एमपी से मांगते हैं, विधायक से मांगते हैं, स्वाभाविक चीज़ है, उनका मांगना सही है, लेकिन जनता को भी अब सोचना चाहिए कि हम सांसद जो बनाते हैं, सांसद इसलिए बनाते हैं कि जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है उसको सांसद देखता है कि आपका जो अधिकार क्षेत्र है इसको हम इधर उधर होने नहीं देंगे, आपका जो अधिकार है इसके लिए मैं लड़ाई यहाँ से लेके पार्लियामेंट में लड़ूंगा, न कि नली गली के लिए लड़ूंगा। ये जनता को सोचना चाहिए, जनता को मतलब कि समझने की जरूरत है इस बातों को। अरे यार खुद समझती है जनता, लेकिन मांग उसका तो जाए। स्टार्टिंग में बोले कि जनता का कोई भी समस्या छोटा नहीं होता, सब समस्या बड़ा उसके लिए बड़ा ही होता है। समस्या सबका अलग अलग है लेकिन समस्या सब बड़ा होता है। हमारे बगल में सांसद कौशलेंद्र कुमार जी थे और हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया, और ये बताते हैं कि जो 24 और 29 का टेन्योर है इसमें हम एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय बनवाने का डिमांड करेंगे, और इनको लगता है कि बनेगा भी, एनडीए में है, और स्वाभाविक सी बात है कि बता रहे थे इंटरव्यू में कि एनडीए विकास की बात करती है, सबकी साथ की बात करती है। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि 24 से 29 का जो कार्यकाल होता है कौशलेंद्र कुमार जी का वो कितना कारगर होता है, और कौशलेंद्र कुमार जी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।